ठीक है। सो यहां पे इस पैसेज में वास डिफरेंस के अलावा और क्या क्या है ये एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। एक एक चीज अपने सॉल्व करते हैं। जैसा टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर में क्या बन रहा है? कोई भी चीज बनने के लिए एनर्जी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। और एनर्जी का सप्लाई टारगेट ऑर्गन तक ब्लड लेके जाएगा, और ब्लड तो खुद ब खुद आके जाने वाला नहीं है। ब्लड रिक्वायर्स अ पैसेज दैट इज कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स। सो दिस मींस अलोंग विथ वास डिफरेंस यहां पे ब्लड वेसल्स भी होते हैं। तो अपने को पहले यहां पे एक चीज यहां पे क्या पढ़ना है कि वास डिफरेंस के साथ और क्या क्या है। मींस अ बंच पासिंग थ्रू इंग्यूनल कैनाल। तो ऑलरेडी यहां पे क्या था? वास डिफरेंस। ऑलरेडी क्या था यहां पे? वास डिफरेंस ऑलरेडी था। अब इसमें और क्या आएगा जो बताओ? ब्लड वेसल। वेरी गुड, ब्लड वेसल्स। क्लियर। सो ऑलरेडी वहां पे क्या था? वास डिफरेंस। फिर क्या आएगा उसमें? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल क्यों है समझ में आ गया? बिकॉज इट हैज टू सप्लाई नरिशमेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और बहुत सारी एक्टिविटी के लिए चाहिए वहां पे, तो ब्लड का सप्लाई तो चाहिए चाहिए। दूसरा चीज, सिर्फ ब्लड का सप्लाई होने से नहीं होता है, सेंसेशन भी चाहिए। जैसा अगर किसी ने मेरे को यहां पिंच किया तो फट से हाथ को पीछे कर दूंगा। सो दिस इज कॉल्ड एज सेंसेशंस। तो बॉडी में जो सेंसेशंस होती है, आइदर दैट इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन और दैट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड थ्रू नर्व्स। क्योंकि यहां पे अगर पेन हो रहा है, दिस मींस ये पेन का जो इंपल्स है वो कहां तक गया? ब्रेन तक गया थ्रू नर्व्स। तो बिना नर्व का ब्रेन को मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो अगेन टेस्टिस में अगर कोई सेंसेशंस चाहिए तो ऑब्वियसली वहां से नर्व्स का पैसेज भी बहुत जरूरी। तो इसमें से साथ में और क्या पास हो रहा है? नर्व्स। तो प्लस यहां पे क्या है? नर्व्स। नर्व भी तो है। क्लियर। तो नर्व किस लिए काम आता है समझ में आगे? देखो वास डिफरेंस किसके काम था? पैसेज और स्पर्म। ब्लड वेसल का काम क्या है? टू सप्लाई द नरिशमेंट। नर्व्स का काम क्या है? टू कंट्रोल द सेंसेशंस। एग्री। अब दूसरा एक लॉजिक है, एक बारीक धागे को एक बॉल बांधो, ठीक। अब बारीक धागा है, कच्चा धागा होगा। अब उसको आपने बॉल बांधे और हाथ में पकड़ा। अब रस्सी को एक एंड से पकड़ो और बॉल को छोड़ो। बॉल झटके से नीचे आएगा। अगर बॉल का वजन ज्यादा है या झटका ज्यादा है तो रस्सी के टूटने के चांसेस है। देखो टूटेगा जरूरी नहीं है, पर टूटने के चांसेस है। तो कहीं ना कहीं प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज वही स्प्रिंग होगा तो वजन अगर ज्यादा है तो नीचे जाएगा, वापस अपने पोजिशन पे आएगा। सेम लॉजिक यहां पे मसल्स होते हैं। तो यहां पे इस पैसेज में साथ में क्या रहेगा? मसल्स रहेंगे। साथ में क्या रहेगा? मसल्स। तो यहां पे नर्व्स के साथ साथ इस बंच में और क्या है? मसल्स है। अब मसल का कंसेप्ट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड इलास्टिसिटी है। तो जैसे ही टेस्टिस ड्यूरिंग पार्चुरेशन, जब टेस्टिस नीचे आने की कोशिश करेगा या नीचे जब आएगा, तो अगर गलती से अगर कहीं ना कहीं झटका भी लग गया और टेस्टिस अगर झटके से नीचे भी आ गया तो लोड लेने की वजह से कहीं ना कहीं जो मसल से इट इज गिविंग अ स्प्रिंग एक्टिविटी, नीचे जाएगा और मसल वापस उसको खींच के अपनी जगह पे रख देगा। मतलब मस्कुलर एक्टिविटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस। एग्री। अब ये मसल्स याद रखो दो प्रकार के हैं। एक मसल है क्रिमास्टर मसल्स, क्लियर, और दूसरा मसल्स है डार्टॉस मसल्स। कौन कौन से मसल्स? क्रिमास्टर एंड डार्टॉस, क्लियर। तो यही मसल्स, अब जैसे और एक लॉजिकल थिंग है कि जब यहां से टेस्टिस जब नीचे आएगा तो अगर कभी कभार झटका ज्यादा हो गया तो नीचे से भी डैमेज होने के चांसेस है। तो यही जो मसल्स है ये जब नीचे आएंगे तो नीचे एक मस्कुलर पैड बनाते हैं। क्या बनाता है? मस्कुलर पैड। और ये जो मस्कुलर पैड है दिस इज कॉल्ड एज ड्यूबरनाकुलम। क्या बोलते हैं? ड्यूबरनाकुलम। मतलब नीचे में मस्कुलर पैड है। सपोज गलती से ऊपर से टेस्टिस अगर झटके से आके गिरा भी
स्पंज जैसा एक्टिविटी कर रहा है। मतलब देखो यहां पे डैमेज होने के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन वो चांस लेना भी नहीं चाहता है। मतलब जब डिसेंड होगा तो ऊपर से भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए करके स्प्रिंग एक्टिविटी लाइक मसल्स ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। नीचे आने के बाद झटका भी नीचे लगना नहीं चाहिए करके नीचे में मस्कुलर पैड बना है, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबर ना। एग्री? तो यहां पे ये सब चीज मिलके देखो स्पॉट टेस्टिस को कितने अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। अब ये बंच हो गया। सो दिस बंच में क्या क्या है? वास्ट डिफरेंस है व्हिच इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म। दूसरा है ब्लड वेसल व्हिच इज अलाउिंग द पैसेज ऑफ ब्लड फॉर सप्लाई ऑफ नरिशमेंट। देन कम्स व्हाट? नर्व्स व्हिच इज रिस्पांसिबल टू कंट्रोल द सेंसेशंस। देन कम्स व्हाट? मसल्स। मसल्स के दो रोल है, एक ऊपर से डिसेंडिंग के दौरान टेंशन आने नहीं देना, दूसरा व्हेन इट गेट्स इनटू द स्क्रॉटम तो नीचे से उसको झटके लगना नहीं चाहिए, शॉक एब्जॉर्ब के लिए फुट हो यहां पे एक मस्कुलर पैड बना है, दैट मस्कुलर पैड इज कॉल्ड एज यू बना हो। क्लियर? एंड दिस बंच हैविंग ऑल दीज पार्ट्स इज कॉल्ड एज स्पर्मैटिक इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये थोड़े से एमसीक्यू के लिए याद रखना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। स्पर्मेटिक कॉर्ड इज इक्वल टू वास डिफरेंस प्लस प्लस नर्व्स प्लस प्लस मेनी कुछ। एग्री? सो इतने बंच में वास डिफरेंस ब्लड वेसल नर्व्स एंड मसल्स दोनों प्रकार के, वो आपको फॉर्मूला बेस में लिखने की जरूरत नहीं है, उसके डिटेल्स इतने भी नहीं आपके सिलेबस में। क्लियर? बट पढ़ना चाहिए व्हाट आर What are the types of muscles present in the passage of inguinal canal and scrotal cavity? अब देखो कंसेप्ट क्या है। अब यहां पे ठीक है स्पर्मेटिक कॉर्ड तो है, अब इसने यहां आके रिलीज तो कर दिया, अब हो सकता है ये पैसेज तो पास है, अब जब रात को सोएंगे तो क्या टेस्टिस नीचे जाएगा? अगर मैं शीर्षासन करूंगा नीचे उल्टा होगा तो क्या टेस्टिस नीचे आना चाहिए क्या? नहीं, लेकिन आ सकता है, जब पैसेज को खुला रहेगा तो आ जाएगा। तो कंसेप्ट ये है कि ये टेस्टिस जैसे नीचे आया इमीडिएटली ये पैसेज में प्लग तैयार हो जाता है। क्या होते हैं? प्लग। ठीक, अब सिंपल बता, ये तो हो गया क्या, लेकिन इसको होते प्लग, कि ये किसी में जाके फंस रहा है। सो दिस वन इज प्लग एंड दिस वन इज कैप, वही लॉजिक है। तो इसने यहां पे पूरे पैसेज को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। When, जब टेस्टिस नीचे आने के बाद। क्लियर? एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पार्चुरेशन। जैसे पार्चुरेशन हुआ, जैसे टेस्टिस नीचे आया, इमीडिएटली इसमें क्या बन जाता है? प्लग बन गया। प्लग बन गया तो नॉर्मल, प्लग नहीं बना तो, प्लग लेट बना तो एबनॉर्मल, प्लग जल्दी बना तो भी एबनॉर्मल। अगर सपोज पैदा होने से पहले प्लग बन गया, so testis will not be, will not come into what? Clear? So in that case the testis will not be able to come into scrotal cavity, क्योंकि plug पहले बना, that is called as early plugging. Clear? और अगर suppose late plugging हुआ, late plugging का मतलब होता है testis आ चुका है, बच्चा 2-3 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, तभी plug नहीं बना, तो testis वापस पीछे जाने के chances है। So all these conditions are normal or abnormal? Abnormal. So उस abnormal condition में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है वो देखना है आपको। ठीक है? अब ये competitive का पार्ट हो जाएगा। क्लियर? अब सपोज अर्ली प्लगिंग हुआ, मतलब अर्ली प्लगिंग मतलब टेस्टिस आने से पहले अगर प्लगिंग हो गया तो पैसेज तो ब्लॉक हो गया। So in that case, the testis will not be able to come into what? Scrotal cavity. आ ही नहीं सकता है, ऑपरेशन करके भी उसको लाना पड़ेगा, बराबर? तो यहां पे testis आ ही नहीं सकता। See, बीमारी का कंडीशन हर बार कोई एक ही होता है। भाई हमको सर्दी हो रही है, अब सर्दी होने का एक कंडीशन क्या सर्दी का सीजन ही होता है क्या? नहीं। सिर्फ आइसक्रीम खाए तो सर्दी होता है क्या? नहीं। तो एक सर्दी होने का कई रीजन हो सकते हैं, हार्ट अटैक होने के कई रीजन हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि डिसीज जब होता है तो उसके कई रीजन हो सकते हैं। तो अर्ली प्लगिंग की वजह से एक कंडीशन आया हुआ,
सो इन दैट केस टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड, मतलब टेस्टिस नीचे नहीं आ पाया, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज क्रिप्टोर्काइडिज्म। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोर्काइडिज्म। सो व्हाट इज क्रिप्टोर्काइडिज्म? इट इज द कंडीशन वेयर टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड। Agree? Confused? So cryptorchidism.